ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो छोटी समस्याएं हैं उनका निदान मैं शीघ्र करूंगा और शिक्षा मित्रों को अच्छी व्यवस्था में लाने के लिए पहल शासन में भी प्रारंभ हो गई है। मैं पत्रावली प्रस्तुत कर रहा हूं और आप माननीय मुख्यमंत्री जी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिलकर के अपना पहल भी आप भी करिए और हम भी करेंगे और दोनों लोगों को मिलाकर के शिक्षा मित्रों का भविष्य अच्छा होगा, सुरक्षित होगा। जो शिथिलताएं हैं उसको करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पत्रावली चलेगी, आप सबका ज्ञापन प्राप्त हो रहा है, निरंतर चल रहा है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारा धरना सफल है। जो महिलाओं का अंतर जनपदीय स्थानांतरण है उसकी पत्रावली और मूल विद्यालय की पत्रावली भी चल रही है। अभी जो 15 दिन आपका मानदेय कटा है ये मैंने मानदेय मान पत्र में नहीं रखा, लेकिन मौखिक बात है तो उन्होंने कहा इसको मैं पैर की बैठक में रखूंगा और आपका एक एक दिन का पैसा दिलाने का काम करूंगा। ये हम पर भरोसा करिए, जिम्मेदारी है हमारी। तो निश्चित रूप से अब पहल शुरू हो गई है और सकारात्मक दिशा में चलेगी। अभी हमारे बीच में दो दो माननीय आए थे, उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी बात कराऊंगा।